हम लोग आज पूरा मेन बाजार का संपर्क कर रहे हैं। आज पूरा जो समर्थन है वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस चुनाव में कांग्रेस आ रही है ये जनता ने तय कर दिया, और भाजपा यहाँ से जा रही है। पूरा जो 5 साल का हमारा संघर्ष था, वो रोडों पे जो हम लड़े बीजेपी के खिलाफ, आज वो जनसैलाब के रूप में बाजार में आपको देखने को मिलता है। प्रत्याशी पराग शर्मा, लेकिन लगता है ऐसा कि गिरीश भारद्वाज ने कमान संभाल रखी। नहीं, कांग्रेस से प्रत्याशी पराग शर्मा हाथ के पंजा का निशान है। हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं आपके? देखिए, हमारे प्रमुख मुद्दे साफ सफाई, जाम की व्यवस्था, आवारा पशु, दूषित पेयजल व्यवस्था, उसके साथ साथ जो जल भराव है, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। और ये मुख्य मुद्दों के लिए हम सड़कों पर पिछले 5 साल रहे। इससे टक्कर मानते हैं आप कांग्रेस प्रत्याशी? देखिए, हमारी अपनी खुद से टक्कर है कांग्रेस प्रत्याशी, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के सामने। और हमारा जो 5 साल का जो कटक प्रयास था, वो भाजपा को यहाँ से भगाने के लिए था। अब उसके लिए चंद दिन बचे हैं। आने वाली 5 अक्टूबर को कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। भारी बहुमत से हम लोग विजयी हो रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आने वाले सीएम हैं।